कम बैक टू अजय पटेल रेसिपी। आज हम बनाएंगे आप और आपको दिखाएंगे कोहनी का खीर कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा दूध हो चुका है गरम और एक कोहनी का चावल को अब हम इसको धुलाई करके इसमें डालेंगे। पहले दूध को एक उबाल हो जाने दें, उसके बाद हम इसको अच्छे से धुलाई करके डालेंगे। पहले इसको धुलाई नहीं करेंगे वरना ये ज़्यादा ही गलने लगेगा। दूध में हम थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किए हैं, आप भी ऐड ना करें ताकि ज़्यादा टेस्टी बनेगा और खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कोहनी का जो चावल होता है, जो इसका हम खिचड़ी भी बना सकते हैं जो काफ़ी हेल्थी होता है, पर आपको खिचड़ी का रेसिपी किसी और दिन आपको बताएंगे। आज हम आपको इसका खीर का रेसिपी बताएंगे और आपको पूरा फुल प्रोसेस फुल रेसिपी बताएंगे कि इसे कैसे बनाएं और ना बनाएं। तो यहाँ पर दूध में उबाल हमारा आ रहा है, अब कोहनी को हम धुलाई कर अच्छे से धुलाई करेंगे। कोहनी का चावल को अच्छे से धुलाई कर चुका है और यहाँ दूध में भी अच्छे खासे उबाल आया है। अब हम इसमें इसको डालेंगे। यह बहुत हेल्दी होता है, आप घर पे ट्राई ज़रूर करें। ये खाने में भी बहुत टेस्टी और ये बनाने में बिल्कुल आसान है और इस ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसे घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को खिलाएं ताकि ये मतलब फ़ायदेदार हो। इस ये हमारा एक खीर से इतना फ़ायदा है, आप इसका थोड़ा इसको चलाते रहेंगे अच्छे से, नीचे लगने लगता है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा इसका जो ये है सीज रहा है, पक रहा है। इसका खिचड़ी भी बनता है, खीर भी बनता है, चावल भी, भात भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों में हमारा खीर हो जाएगा रेडी। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें हम कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, सिंपल सा है, सिर्फ दूध, चीनी और कोहनी का चावल जो होता है वो। आप घर पे बनाए ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे हम और चलाएंगे थोड़ा देर, इसका दूध को और सुखा देंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। दोस्तों मैं फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो इसका क्वालिटी उतना ख़ास नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के देने के लिए, हर चीज़ को अच्छा से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, हमने इसको 4-5 मिनट पकाया है। आपको बनाने के लिए सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अब ये फाइनली अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी ऐड करें। यहाँ पे 200 ग्राम कोहनी का चावल था और 1.5 kg दूध था, इसको हमने उसी हिसाब से इसमें चीनी ऐड किया है। और ये देखिए अच्छे से बन चुका है, अब इसे हम 2 या 3 मिनट छोड़ देंगे ढककर ऊपर से, ताकि ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा खीर बनकर रेडी हो चुका है। उसमें चीनी आप ऐड उसी समय डालें जब ये अच्छे से पक जाए, कोहनी का चावल जब अच्छे से पक जाएगा तब चीनी ऐड करके 2-3 मिनट ढक्कन से ढक दे, उसके बाद में उसके बाद आपका खीर रेडी है। एकदम आसान है बनाना, आप घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और हम अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।